के रूप में जो अवतार लेते हैं सभी युगों में, उनकी एक अहम भूमिका रही है। गुरु का एक मार्गदर्शन का कार्य होता है, और जब भी कोई देवता, सुर, नर, मुनि, ऋषि, संत जो भी आते हैं, उनको सर्वप्रथम गुरु से ही सब कुछ सीखना होता है, गुरु के चरण में समर्पित होना होता है। उसके बाद फिर ये परंपरा चलती है, फिर वो भी किसी के गुरु बनते हैं। जो नित्य अनादि सद्गुरुदेव है वो सद्गुरु है, वो गुरुओं के गुरु है, और इसका बोध होना अति आवश्यक है हम सबों के लिए। गुरु बहुत सारे हैं, गुरु बहुत हो सकते हैं। बचपन से लेकर के जो उच्चतर शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, उसमें भी गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक भूमिका और रोल होते हैं, जिसमें शिक्षक भी आते हैं। प्रथम माता पिता गुरु होते हैं, भौतिक गुरु हैं, लौकिक गुरु हैं, कई प्रकार के गुरु हैं, पर ये सब अपरा विद्या के गुरु हैं। अपरा विद्या मतलब इस मृत्युलोक, इस पृथ्वीलोक भूमंडल पर रह करके और जीवन जीने के दौरान जीविकोपार्जन के लिए या जीवन से संबंधित क्रियाओं के लिए, ये वो गुरु हैं। एक गुरु और है जिनकी जरूरत हमें पड़ती है, जो परा विद्या के ज्ञाता हैं, परम विद्या के महान स्वामी कहलाते हैं, वो नित्य अनादि सद्गुरुदेव। और वही सत्ता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के 17 वर्ष के अखंड साधना के दौरान उन्होंने दर्शन देकर के और सद्गुरु पद को प्रदान किया है। यह सद्गुरु पद वो पद है जो किसी भी चुनाव से संभव नहीं हो पाता है किसी के लिए। सद्गुरु को स्वयं सद्गुरु पद देना पड़ता है। एक नित्य अनादि सद्गुरु है, उन्होंने स्वयं सद्गुरु पद को दिया है स्वामी सदाफल देव जी महाराज को। और वही धारा आज प्रथमाचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज के बाद वर्तमान स्वामी जी जो हैं स्वतंत्र देव जी महाराज, उनमें चल रही है ये धारा। निरंतर वही धारा क्रियान्वित है, वही ब्रह्म धारा चल रही है, ब्रह्म विद्या। वो माइक ऑफ है, वो माइक दीजिए तो। गुरु की महत्ता का गुणगान हर अवतार में, हर युग में होता ही है। माइक दीजिए ना, ये माइक दीजिए। संतों का अवतरण होता है, होता रहेगा, होता रहेगा। अनावरत है, अनावरत क्रियाएं हैं, यह बिना बाधा के चलती ही रहे। उसको बंद कीजिए वो माइक। संत न हो तो इस जगत में, तो को जानत भगवान।